हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे फेस की शेडिंग कैसे करनी है और मैंने कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे शेड करने वाले हैं मांग टीका को, और मैंने यहाँ पे वाइट चली रोल पेन लिया है। थोड़ी सी शेडिंग करने के बाद मैं इसको वाइट पेन से फिल कर दूँगी, और उसके बाद मैं आईब्रोज़ को ड्रॉ कर रही हूँ हेयर्स की डायरेक्शन में रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और धीरे धीरे डार्क वैल्यूज़ को ऐड किया है मैंने यहाँ पे, और हाईलाइट क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मोनोज़ीरो इरेज़र को। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले आईज़ को ड्रॉ करूँगी, क्योंकि आईज़ हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे फेस का, तो आईज़ को मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले ड्रॉ करना। और शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉटन बड को, और जो एरियाज़ हाईलाइटेड हैं वहाँ पर मैं कोई शेडिंग नहीं करने वाली हूँ पहले पेंसिल से। स्मॉल पार्ट्स पे ब्लेंडिंग के लिए मैं कॉटन बड का यूज़ करने वाली हूँ, और मैं धीरे धीरे डार्क वैल्यूज़ को ऐड करूँगी। डायरेक्टली डार्क वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना है, लेयर बाय लेयर डार्क वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे डिटेल्स को ऐड कर रही हूँ, जो भी हमारे हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, डार्क एरियाज़ हैं। सबसे पहले मैं डार्क एरियाज़ को ऑप्ट करूँगी, और उनके बाद उनकी शेडिंग करूँगी हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पे हेयर्स की शेडोज़ पे थोड़ा सा बना दिया है, और यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ लास्ट स्पेस पे मेकअप ब्रश को। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ओवर द हेड पेंसिल को। आप चाहो तो आप दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे लिए मुझे ये अच्छा लगता है, मेथड रेलिवेंट है, तो मैं इस मेथड को यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। और बस आपको इसी तरह से फेस को शेड करना है। आपको डार्क पार्ट देखने हैं, डार्क जगह देखनी है, और वहाँ पे ड्रॉ करना है। और ये हाइलाइट्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ इरेज़र से थोड़ा सा इरेज़ कर दूँगी अपने एरियाज़ को। आपको बस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। जैसे रेफरेंस में आपको शेडिंग्स दिख रही हैं, शेड्स दिख रहे हैं, आपको अपनी ड्राइंग पे भी वैसे ही शेड्स करने हैं, ड्राइंग क्रिएट करनी है, शेडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग आप मेकअप ब्रश से यूज़ कर सकते हो। मैम यहाँ पे मेकअप ब्रश का यूज़ कर रही हूँ लार्ज स्पेसिस के लिए, और धीरे धीरे वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे हर जगह पर। और हाइलाइट्स के लिए यहाँ पर फिर से मैंने इरेजर का यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं पहले डार्क एरियाज़ को क्रिएट कर रही हूँ, जो हमारी नोज़ पिन है यानी कि, तो उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। रेफरेंस में ये ज़्यादा क्लियर नहीं था डिज़ाइन, तो मैंने थोड़ा सा खुद से भी ऐड की है यहाँ पर डिटेल्स। पहले हम बेस लेयर ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी मैं कॉटन बड की हेल्प से। वाइट जेली रोल पेन की हेल्प से हाइलाइट्स को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम मांग टीका के डार्क वाली उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, जिस तरह से रेफरेंस में है उसके अकॉर्डिंग, और जेली रोल पेन से दोबारा से क्लियर दे देंगे। और मैं यहाँ पे साइड चेन के लिए वाइट जेली रोल पेन को यूज़ कर रही हूँ, और मैं वहाँ पर डार्क वाली उसको भी ऐड करते जाऊँगी लेयर बाय लेयर। इसके बाद मैं यहाँ पर डार्क वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगी हमारे फेस की साइड पे जहाँ पे शेडोज़ आ रही हैं। मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ इयररिंग को, और डार्क वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने जेली रोल पेन का यूज़ किया है यहाँ पे, और नेक की शेडिंग के लिए रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहले मैं बेस लेयर को ऐड किया है यहाँ पर लाइट, और उसके बाद मैं डार्क वैल्यूज़ को ऐड करूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।